गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्योमेट्रिक फिगर का पार्ट 4, बहुभुज पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होते हैं? वह समतल आकृतियां जो तीन या तीन से अधिक सरल रेखाओं से घिरी होती हैं पॉलीगॉन कहलाती हैं। जैसे ये चार भुजाओं से घिरी है तो ये चतुर्भुज कहलाएगी, पांच भुजाएं वाली पंचभुज कहलाएगी और छह भुजाओं वाले को षष्ठभुज कहेंगे। पॉलीगॉन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नियमित बहुभुज अनियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज को हम लोग सम बहुभुज कहते हैं। सम बहुभुज, सम माने समान, बहु माने भुजाएं, जिनकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण क्या हों, समान हों, तो उन्हें हम लोग कहेंगे सम बहुभुज। और जिनकी सभी भुजाएं और आंतरिक कोण समान ना हो तो उन्हें हम कहेंगे अनियमित बहुभुज। जैसे ये पांच भुजा वाला एक है, अगर इसकी सभी भुजाएं ये बराबर हों पांचों और इनके कोण भी सभी बराबर हों तो ये कहलाएगा सम पंचभुज, क्योंकि तो पांच भुजाएं हैं तो पंचभुज। आपसे पूछा जाएगा एक एन बहुभुज के कोणों का योग क्या होगा, तो एन बहुभुज के कोणों का योग होता है एन माइनस टू इंटू 180। ठीक है, पांच भुजा वाला है तो एन की जगह पांच लेंगे, पांच माइनस टू इंटू 180, तो निकल गया आएगा पाँच में दो गया तीन तो आ जाएगा 540। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग 540। अब अगर सभी भुजाएं इसकी बराबर हों तो वो कहलाएगा सम बहुभुज। तो कहेंगे एक एन सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग, जो योग आएगा कोणों का उसमें भुजाओं का क्या दे देंगे भाग, n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड n। पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना आया था 540, इसमें आप कितने का भाग दे दीजिए, पाँच का भाग, तो एक कोण अंतःकोण कितना हो जाएगा 108। अगर आपसे बोला जाए एक बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से बने कोणों का योग 360 होता है, जैसे आपको दिखाया गया है कि ये देखिए यहाँ पे एक ही क्रम में ये भुजाएं बढ़ाई गई हैं तो इनके द्वारा जो कोण भार बने थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर थीटा फाइव थीटा सिक्स एन डैश 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 थीटा एन, इन सबों को अगर हम लोग जोड़ दें तो इन सबों का योग 360 होता है। और अगर कोई बोल दे कि एक कोण का निकालो तो जो 360 होगा उसको क्या करेंगे एन से डिवाइड कर देंगे। तो बहुभुज के एक सम बहुभुज के प्रत्येक कोण भार का कितना होगा 360 बटे एन होगा। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताओ, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है एन, एन माइनस थ्री डिवाइडेड कितना टू। एन क्या है, भुजाओं की संख्या, जिसे किसी ने कहा चतुर्भुज है इसमें विकर्ण की संख्या क्या होगी, तो एन की जगह क्या रखेंगे चार, चार में तीन गए एक बटे कितना दो, काटेंगे तो चतुर्भुज के विकर्ण कितने आएंगे दो, एक जे और एक जे। इसी तरह से आपसे पंचभुज के विकर्ण पूछ सकता है, आगे षष्ठभुज के पूछ सकता है। इसके अलावा कुछ एक चार्ट हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने तैयार किया है, जैसे n बराबर आपको कितना दिया जाए चार दिया जाए, तो n बराबर चार है तो क्या कहलाएगा चतुर्भुज कहलाएगा, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा 360। और उसका अगर एक कोण पूछा जाए तो चतुर्भुज 360 में कितने का भाग देते हैं चार का भाग, तो कितना आ जाएगा 90। ठीक है, इसी तरह से आपसे पंचभुज बोला जाए तो पंचभुज में भुजाएं पाँच, कोणों का योग कितना 540, पाँच का भाग दे दो 540 में कितना आएगा 108। ठीक है, षष्ठभुज बोले तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी छः, कोणों का योग कितना होगा 720, और अगर इसमें हम लोग छः का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा प्रत्येक कोणों का योग। इसी तरह से आगे भी है, आपको फॉर्मूला भी याद है, फॉर्मूले में आप रख के कोणों का योग निकाल सकते हैं, प्रत्येक अंतः कोण का योग निकाल सकते हैं। विकर्ण पूछे तो चतुर्भुज के विकर्ण के लिए आपको फॉर्मूला दिया ही गया था एन, चतुर्भुज के विकर्ण के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया था कि एन एन माइनस थ्री एन एन माइनस थ्री डिवाइडेड कितना एन टू, तो उससे आप लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। या विकर्ण के लिए एक सिंपल तरीका और बता रहा हूँ कि आप याद रखो चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है टू होता है, ये सबको पता है, चार भुजाएं होंगी तो विकर्ण क्या होगा टू होगा, टू में थ्री जोड़ दो तो कितना आएगा फाइव, फाइव कितना जोड़ा हम लोगों ने थ्री, इस पर फोर जोड़ दो कितना आ जाएगा नाइन, इस पर क्या करो फिर आगे कितना जोड़ दो फाइव जोड़ दो कितना आ जाएगा फोर्टीन, फिर आगे क्या करो सिक्स जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी, इसी तरह से हम लोग सेवन जोड़ देंगे तो 27, फिर आगे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ से हम लोग केवल चतुर्भुज का याद रखें दो और हम लोग इसमें क्या करते जाएं
तीन जोड़ दें, फिर चार जोड़ दें, और फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, तो अगले वाले निकलते चले आएंगे। कुछ रूल हैं, कुछ अच्छे पॉइंट हैं जो बहुत पूछे जाते हैं, जो आपको याद रखने हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा बहुभुज के सभी कोनों पर एक वृत्त पर स्थित होते हैं। बहुभुज के सभी कोने एक वृत्त पर स्थित होते हैं। जितने भी ये बहुभुज होंगे, मान लीजिए एक बहुभुज है, तो इनसे जो सर्किल जाएगा वो मतलब इससे होके जाएगा, या ऐसे समझ लो सर्किल पे ही ये आपका बहुभुज के कोने क्या होंगे, स्थित होंगे। कह रहा इनकी सभी भुजाएं इसके अंतर्वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा। मान लीजिए एक हमने बनाया षष्ठ बहुभुज बना दिया, जैसे ये कोई एक षष्ठ बहुभुज बना हुआ है छह भुजा का। अब इससे ये सर्किल पास हो रहा है जो अंतर सर्किल है, तो यहाँ पे जितनी भुजाएं होंगी इस पे वाली यहाँ स्पर्श करेगी, यहाँ स्पर्श करेंगी, तो ये इसकी क्या कहलाएंगी, अंतर स्पर्श रेखाएं कहलाएंगी। तो किसी भी बहुभुज इसके अंतर्वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगला, अगर एक आंतरिक कोण और बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। ये है अंदर का कोण और ये है बाहर का कोण, तो इन दोनों के कोणों का योग कितने के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ओके गाइड्स, ये बहुभुज का चैप्टर समाप्त हुआ, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन वाला सेट आएगा, मतलब ज्योमेट्री का ये फिगर थ्योरी चैप्टर जो हुआ वो एंड होता है, और अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, द टेस्ट नंबर 1-2 करके। तो नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं अगले लेक्चर पे, और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स गाइस, ओके बाय।